ये है धतूरा, ये है हिबिस्कस जो आपने सभी ने देखा होगा, और ये है हमारा जो आप कनेर भी कहते हैं जिस इसे कि ये देखिए, ये जो है ये इसके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है, और ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके पुंकेसर यानी पुमंग है। ऐसा ये देखिए धतूरा बिल्कुल फाड़ के मुझे अलग करना पड़ रहा है क्योंकि इसके जो दल होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, और सभी बच्चे आ गए होंगे आज का लेक्चर देखने के लिए। तो आज का लेक्चर है हमारा वही जो चल रहा है, नंबर 15 चल रहा है आज, और उसी में हम देखने वाले हैं पुष्पीय पादपों की आकारिकी वाले चैप्टर में। चैप्टर फ्लो आपको पता है कि क्या क्या कहानियाँ जो है हम पढ़ चुके हैं और क्या पढ़नी बाकी है, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो कुछ ऐसा है। हमें पढ़ना है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना के बारे में। इवन दो कि आप इसको थोड़ा सा 10th तक लेवल तक पढ़ के आए हैं, वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस भी आपको पढ़ना है, कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा आएंगी। सहायक चक्र क्या है ये देखेंगे हम, इसी की संरचना के अंतर्गत आएंगे, और आवश्यक पुंज क्या है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें मेन आज देखनी है पुष्प में। सबसे पहले बात करते हैं पुष्प की। तो भाई पुष्प हम पढ़ते आ रहे हैं कि पुष्प है और पुष्प की ये संरचना है, पुष्प की वो संरचना है, लेकिन आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ जो आपके आगे के फ्यूचर में कभी आपसे पूछा जाएगा और आपको काम आ सकता है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। देखो, हमसे जब हम 12th करके BSc में पढ़ रहे थे तो हमारे सर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, और हमारे पास उसका आंसर नहीं था क्योंकि हमारे टीचर ने हमको नहीं बताया था। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि पुष्प क्या है। तो आप बोलोगे पुष्प जो है वो एक पुष्प है ना, ऐसा ही कुछ आंसर दोगे। और ये बात बता दूं कि जब BSc में हमारे सर ने हमें ये बता दिया, तो एक बार मैं कहीं इंटरव्यू देने गई थी, वहां पे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुष्प क्या है, आकारिकी रूप से पुष्प क्या है। अगर मैं भी वहां पे ऐसा आंसर दे देती, पुष्प पुष्प है, पुष्प पादप का जननांग है, ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसके उद्गम की या उत्पत्ति की, तो जैसे हम बोलते हैं कि जो है पादप का तना जो है वो प्रांकुर से निकलता है और जड़ जो है वो मूलांकुर से निकलती है, ऐसे ही अगर पुष्प की परिभाषा आप देना चाहते हैं तो वो क्या दी जाएगी कि पुष्प पादप का एक महत्वपूर्ण जननांग है, क्योंकि इसी से जनन होना है, जो एक संगनित तने का रूपांतरण है। क्या है? जो एक संगनित तने का रूपांतरण है। मैं आपको समझाती हूं कैसे, कि पुष्प एक तना था, कभी रहा होगा एक तना, और क्या हुआ देखो पुष्प के साथ, क्या अच्छी चीज इसके साथ हो गई कि ये इतना आकर्षक बन गया। देखो तना होता है उसमें क्या होता है, हर जगह पर्व संध्या होती है, ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और पर्व संधि पर क्या होगा भाई, पत्तियां लगी होंगी और कक्षस्थ कलिकाएं लगी होंगी। ठीक है, कक्षस्थ कलिका की जो हम बात करते हैं, और उसके टॉप पर क्या लगा होगा, अंतस्थ कलिका लगी होगी। अब ऐसा कुछ प्रकृति ने चेंज किया कि ये पुष्प की ये जो तना है इसकी पर्व संध्या जो है वो पास पास आ गई। कभी आपके स्कूल में वो क्राफ्ट वाला है जो पेपर रोल करके कमल का फूल बनाना सिखाता है, हमने बहुत देखा है और अभी भी देखते हैं, अभी भी स्कूल में जाते हैं तो वो मतलब इतने सालों से ये आता है कि वो हमेशा आते हैं और वो क्राफ्ट से तो कमल का फूल बनाते हैं। तो आपने देखा होगा वो रोल करता है और कमल की पत्तियां काटता है, फिर उसको लंबा खींच देता है तो पत्तियां दूर हो जाती है, वो एकदम उंगली से उसको दबा देता है तो वो कमल का फूल बन जाता है। राइट, सेम एज इट इज। कि क्या हुआ प्रकृति में कि ये सब पत्तियां थी हर पर्व संधि पर, लेकिन प्रकृति में ऐसा कुछ हुआ कि ये जो है यहां से नीचे दब गया, यानी कि हर पर्व संधि एक दूसरे के पास आके इस तरह से हो गई और कुछ ऐसी संरचना बनी होगी। पहले तो ये पर्व संधि अब मैं येलो से बना रही हूं, देखो ये जो पर्व संधियां थी इनके बीच का गैप कम हो गया, ऐसा सोचो आपने ऊपर से इसको पटक दबा दिया तो ये कुछ ऐसी पर्व संधियां पास पास आ गई, और जो टर्मिनल बड थी वो भी पास आ गई कुछ ऐसे यहां पे। और क्योंकि यहां पे हर जगह पत्तियां थी तो अब अगर मैं पत्तियां बनाऊं ऐसे कुछ, तो क्या आपको ये एक पुष्प की तरह नहीं लग रहा? लग रहा है। और थोड़ा इसको कंडेंस कर दो तो फिर ये बिल्कुल ही क्या बन जाएगा,
एक पुष्प बन जाएगा, जैसा कि हमें पुष्प दिखाई देता है। तो क्या हुआ, वैज्ञानिकों का मानना है कि तने में पर्व संध्यों के संघनन से पत्तियां जो है पास पास आ गई और हर पत्ती अपने आप को रूपांतरित कर दिया। एक पत्ती ने बाह्य दल बना दिया, अभी देखेंगे क्या होते हैं बाह्य दल, दल एक ने दल बना दिया, एक ने पुंकेसर बना दिए रूपांतरित, क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़े हैं कि पत्तियां रूपांतरित होती है। तो एक ने पुंकेसर बना दिया, एक ने ये जो टॉप वाली थी वो नीचे एकदम बीच में धस गई और उसने वर्तिका और वर्तिकाग्र बना दिए, यानी अंडाशय बना दिया, है ना। तो ऐसे पुष्प बना होगा, बात समझ में आई। तो पुष्प क्या है, एक संघनित तने का रूपांतरण है जो पत्तियों के अलग अलग रूपांतरणों की वजह से बना हुआ है, ठीक है। एक प्रारूपिक पुष्प की रचना, उनके भाग, एक प्रारूपिक पुष्प की रचना में चार पुष्प पत्र होते हैं, यानी कि जो पुष्प के ये जो आप पढ़ते हो ना पंखुड़िया और वो ग्रीन ग्रीन से बाह्य दल, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं पुष्प पत्र, ठीक है। क्या कहलाते हैं, पुष्प पत्र कहलाते हैं, फ्लोरल ब्रैक्ट या फ्लोरल लीफ, और चक्र भी कहते हैं, कई जगह आपको चक्र वर्ड भी दिखेगा जैसे अभी आने वाला है। यह पुष्प पत्र पुष्पासन पर अलग अलग चक्रों में विन्यासित रहते हैं। पुष्पासन क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं, ये जैसे ये पुष्प का डंठल है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या होता है, पेडिसेल होता है, पेडिसेल, पुष्प व्रंत। अब पुष्प व्रंत का ऊपरी भाग जो है, क्योंकि ये तने से ही रूपांतरित हुआ, तो तने के निचले हिस्से में कुछ पुष्प के नीचे कुछ गांठ जैसी ऐसी संरचना बन गई, ऐसा गद्दीदार संरचना बन गई, और इस पे क्योंकि पुष्प विराजमान होता है तो हम जिस पे किसी को विराजमान किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आसन। तो इसीलिए इसको पुष्प का आसन यानी कि पुष्पासन नाम दे दिया गया। तो ये एक जो गद्दीदार संरचना होती है जिस पर पूरे पुष्प की बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलेगी, वो हम क्या कहते हैं, पुष्पासन, ठीक है। सब तने के ही रूपांतरण है, तने और पत्तियों के, ठीक है। ये दो चक्रों में होता है, एक होते हैं सहायक चक्र जिनको हम एसेसरी साइकल्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है आवश्यक चक्र जिसको हम जनन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखने, और सहायक चक्र को एसेसरी या एसेसरी साइकल, और इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल या इंपॉर्टेंट या नेसेसरी, कुछ भी आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो चक्र हैं हमारे पास पुष्प में, कौन कौन से। अब चक्र जो है, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अब ये हो गया पुष्पासन, थैलेमस, यहाँ पे पुष्प लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे चक्र हैं जो आप, भाई मैंने कहा थोड़ा बहुत आप टेंथ में पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगी कि भाई पहले तो बाह्य दल होते हैं ऐसे ग्रीन कलर से बाहर निकले हुए, फिर बड़े बड़े पंखुड़ियाँ होती है जिसको हम दल कहते हैं, ठीक है। ये दल होते हैं जो रंग बिरंगे होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं वो बाहर ये दल होते हैं, अभी हम सब पढ़ने वाले हैं, एक बार हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं फिर आगे चलेंगे। फिर हमें लंबे लंबे कुछ फिलामेंट इस तरह से निकले हुए दिखाई देते हैं पुष्प में, किसी में दिखते हैं किसी में नहीं दिखते, ये हमारे क्या है, पुंकेसर, और बीचों बीच हमारी क्या होती है, वर्तिका होती है या वर्तिकाग्र जिसको हम जायांग भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम सब एक ही हैं। तो ये क्या है, पुष्प में सब कुछ चक्र के रूप में व्यवस्थित होता है, मतलब पुष्पासन और उस पर एक साइकिल चलता है, क्योंकि ये पांच छह होते हैं तो साइकिल के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो हम उसको चक्र कह देते हैं, ठीक है। क्या क्या चक्र है, पहला है सहायक चक्र, बाह्य दल व दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं। अब ये दोनों क्या है, तो सहायक चक्र की बात हो गई, उसमें हमें दो तरह के चक्रों की बात करनी है। चक्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा है संख्या में और एकदम एक के अंदर ऐसे साइकिल के रूप में रहते हैं, इसलिए हमें चक्र कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी सुन लो, बाह्य दल जो है उसको वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कैलिक्स कहते हैं, और इसको बोलते हैं करोला। अब देखो कई जगह आपको करोली भी लिखा हुआ मिलेगा, वैसे ये करोली नहीं है, ये करोलाई है, ठीक है, ये एल आई जो है ना ये करोलाई है, तो वो बुक पे बुक डिपेंड करती है। वही मैंने कहा, हमने
जीवन की शुरुआत से ही करोला पड़ा है और इसको कैलिक्स पड़ा है, तो हम वही पढ़ेंगे, है ना। कुछ लोग अब इसको कैलाइक्स भी बोलते हैं, भाई उनकी मर्जी है, क्योंकि इंग्लिश पे भाई अब सबका क्या करें, जोर नहीं चलता, है ना। सब अलग अलग बोलते हैं अपने अपने हिसाब से, और है भी इंग्लिश, कई जगह वाई को आई लगा देते हैं, कभी एल आई को ली बोलते हैं, कभी लाई बोलते हैं, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन चलता रहता है। तो कैलिक्स और करोला यानी कि बाहर दल जो ग्रीन कलर के होते हैं, जनरली आपने फूल के नीचे ग्रीन ग्रीन सी जो पत्तियाँ देखी होंगी, पत्ती जैसी संरचना है वो, और कलरफुल जिसको हम पंखुड़ी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उनकी संख्या को, उनकी संख्या के ग्रुप को क्या कहते हैं, दल पुंज। मतलब पंखुड़ी आपने देखी होगी, एक तो होती नहीं है, चार पांच होती है, तो उसको सामूहिक रूप से क्या कह देते हैं, दलपुंज। और इसी तरह जो सेपल्स, इसके एक पंखुड़ी को सेपल कहते हैं, तो जो हमारे बाह्य दल है उनको कॉमनली ग्रुप फॉर्म में क्या कह देते हैं, बाह्य दल या बाह्य दल पुंज भी कहते हैं, जैसे यहां पे आ रहा है, ठीक है। बाह्य दल पुंज, पुंज का मतलब गुच्छा, ठीक है, तो बहुत सारे हैं, जिसको कैलिक्स कहते हैं। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को सामूहिक रूप से बाह्य दल पुंज कहते हैं। सबसे बाहरी चक्र, बाहरी इन द सेंस ऊपर से बाहरी नहीं कह रहे हैं, हम पुष्पासन से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये पुष्पासन है गद्दी वाला, और पुष्पासन के बाहर की ओर ऐसे आपको ग्रीन कलर से संरचनाएं दिखती होंगी, जिसे हम इंग्लिश में सेपल कहते हैं, यानी कि बाह्य दल कहते हैं। और क्योंकि ये एक नहीं होते, एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स कह देते हैं, एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ जा रहे हैं भाई, हम बाहर से इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे वाला, बात हुई। चलिए अभी आगे देखते हैं। वह चक्र का प्रत्येक पुष्प पत्र, ये जो प्रत्येक मतलब एक एक को हम क्या कहते हैं, सेपल, ठीक है, बाह्य दल कहते हैं। यह आकृति और आकार में लगभग पर्ण के समान होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पत्ती के समान ही होते हैं। जिनका रंग सामान्य हरा होता है, वह पुष्प की कली की अवस्था में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। कुछ पुष्पों में यह अन्य रंगों के भी होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वह इन्हें दलाब यानी कि पेटलॉइड्स कहते हैं, या दलाब, ऐसे दलों को क्या कहते हैं, दलाब बाह्य दल, ठीक है, पेटलॉइड्स। अब इस बात को समझो, दो जो यहाँ पे सेंटेंस आए, जब आपने पुष्प गुलाब में, आपने जनरली गुलाब की कली देखी होगी, तो गुलाब जब नहीं खिल रहा होता तो उसकी कलियों पे ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर से ढका हुआ रहती है कली, ये ही क्या है, यही तो सेपल है। जब गुलाब खिल जाता है तो ये नीचे चले जाते हैं, और नहीं तो कली के रूप में पंखुड़ी और अंदर जो फूल है उसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। एक यहाँ पे चीज दी है कि कई जगहों पर कभी कभी जो हमारे सेपल्स हैं, जो कि ग्रीन कलर के हैं बाह्य दल, वो कलरफुल भी होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, लिली में होता है ऐसा, प्याज में होता है ऐसा। तो जो बाह्य दल है वो कलरफुल होते हैं, लेकिन कलरफुल तो हम कह रहे हैं कि दल होते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, दलाब, क्योंकि ये दल जैसा आभास दे रहे हैं। हमें लगेगा कि ये पंखुड़ियां हैं, वो दल हैं, लेकिन वो दल नहीं है, क्योंकि दल कलरफुल होते हैं, बाह्य दल ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, दलाब बाह्य दल, या इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, पेटलॉइड्स, क्योंकि दल को क्या कहते हैं, पेटल, एक दल को, भाई पुंज को तो करोला कहते हैं और इसका एक होगा तो उसको क्या कह देते हैं, पेटल, तो पेटल से बना हुआ है पेटलॉइड्स, ठीक है। पुंज का अलग नाम है, सिंगल का अलग नाम है, जैसे यहाँ पे पुंज का नाम कैलिक्स है, सिंगल का नाम सेपल है, यहाँ पे पुंज का नाम करोला है और सिंगल का नाम पेटल है, जिसको दल कह देते हैं। हिंदी वालों के लिए इजीली है, दल दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ठीक है, बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, जिसको मैंने कहा दल पुंज, और यहाँ पे देखो करोलाई लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोला याद कर सकते हो। पुष्पासन पर बाह्य दल पुंज के ठीक ऊपर वाली पर्वसंधि पर, इसीलिए देखो मैंने कहा था ना कि ये स्टेम के पर्वसंधियों पे रूपांतरण है, तो पहले वाली पर्वसंधि जो थी वो बाह्य दल में परिवर्तित हो गई, उससे ऊपर वाली जो पर्वसंधि है
पर पाए जाने वाले पुष्प पत्र के चक्र को सामूहिक रूप से, मतलब एक से ज्यादा होंगे अगर ग्रुप में, तो हम उसको करोला, यहाँ पे करोला लिख दिया है मैंने इसीलिए, और वहां पे करोला ही लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहते हैं प्रत्येक पुष्प पत्र को दल कहते हैं, मतलब अकेला होगा तो, अकेला मतलब हर बार अगर हम एक की बात करेंगे तो पेटल बोल देंगे, और अगर सबकी बात करेंगे तो करोला बोल देंगे। ठीक है, क्या होगा बाह्य दल, ये वही पुष्पासन, पुष्पासन पे ग्रीन कलर के ये हो गए हमारे बाह्य दल, बाह्य दल के अंदर रंगीन कलर के क्या होते हैं, दल होते हैं, जो सभी फूलों में अलग अलग शेप के होते हैं। ये अलग पर्व संधि पर स्थित है, वो अलग पर्व संधि पर स्थित है, दबने से तने के ये सब पास पास आ गए। ठीक है, चलिए बात समाप्त हुई इसकी कि बाह्य दल क्या है, करोला, पेटल्स, दल, दलपुंज। अब एक नया वर्ड जो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है और इसीलिए आपको याद रखना है, अभी इसको मैं बताऊंगी भी। परिदलपुंज क्या है, ये पेरियंथ, ऐसे पुष्प जिनमें दल और बाह्य दल एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कई बार बाह्य दल दल जैसे दिखने लग जाते हैं, कलरफुल दिखने लग जाते हैं, तो फिर आप पहचानोगे कैसे कि दल कौन सा है बाह्य दल कौन सा है, कंफ्यूजन हो गया ना, तो उनको कॉमन फॉर्म पर एक नाम दे दिया गया है जिसको हम पेरियंथ यानी कि परिदल पुंज कहते हैं, दोनों को मिलाकर। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि अभी हमने कहा कि कभी कभी बाह्य दल जो है वो दल जैसे दिखने लग जाते हैं, तो मान लो ये पुष्प था यही वाला, इसमें यही पुष्पासन है, अब इसका जो हरा वाला बाह्य दल था यानी कि सेपल था वो क्या हो गया, पीले कलर का हो गया, ये लो, और दल तो वैसे ही पीले कलर के थे तो इनको पीले कलर के ही बना रही हूं, ये लो। अब क्या आपको पता चल रहा है कि कौन सा दल है और कौन सा बाह्य दल है, पता चलेगा भी तो वो साइज से चल रहा होगा कि भाई इस वाले की साइज जो है इनके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, मतलब ये बाह्य दल है और ये दल है, और बाह्य दल सब में होते हैं, कोई भी पुष्प ऐसा नहीं होता जिसमें बाह्य दल नहीं होता है, तो भाई बाह्य दल होना चाहिए था, तो हम वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये बाह्य दल ही है जो दल जैसे दिखने लग गए हैं, इसीलिए हम उसको पेटलॉइड्स या दलाब कहने लग गए। पर इन दोनों को अब क्या कहेंगे, तो इन दोनों को कॉमन फॉर्म में हम क्या कह देते हैं, परिदल पुंज। कि आपने परिदल पुंज नाम ले लिया, इसका मतलब ये हो गया कि दल और बाह्य दल एक जैसे दिख रहे हैं, और फिर हम उसको दल बाह्य दल ऐसे अलग अलग नहीं बोल के क्या बोल देते हैं, परिदल पुंज। कुछ पौधों में बाह्य दल दल आकार आकृति में एक समान होते हैं, जिन्हें परिदल पुंज या पेरियंथ कहते हैं। परिदल क्या है, अब इसका एक सिंगल क्या हो जाएगा, परिदल हो जाएगा, परिदल पुंज, और अकेले की बात करेंगे तो परिदल। पुंज के सभी सदस्य जब बाह्य दल जैसे दिखते हैं तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, बाह्य दलाब। सुनना मेरी बात को, इसको मैं समझाऊंगी अभी। परिदल पुंज के प्रत्येक पुष्प पत्र को टेपल कहते हैं, इसका एक होगा, इस पूरे को क्या कह रहे हैं, परिदल पुंज यानी पेरियंथ, इसके सिंगल को क्या कहेंगे, टेपल। सेपल और टेपल, पेटल को मिला के क्या बना दिया, एक नया वर्ड बना दिया, टेपल यहां पे लिखा हुआ है, जो जिसको हिंदी वालों के लिए इजी हो जाएगा, परिदल, परिदल पुंज से परिदल बन गया। ठीक है, अकेले की बात करेंगे, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पे क्या हुआ, बाह्य दल दल जैसे दिखने लग गए, तो हमने इसको पेटलॉइड्स कह दिया, दलाब कह दिया, क्योंकि बाह्य दल कैसे दिखने लग गए, दल जैसे। शांति से सुनना इसको, ठीक है, चैट को गोली मारो एक बार। जब बाह्य दल दल जैसे दिखने लग जाए, जैसा कि फर्स्ट केस में हमने बनाया कि बाह्य दल ग्रीन थे लेकिन वो दल की तरह येल्लो येल्लो दिखने लग गए, तो हम इस बाह्य दल को दलाब कह देते हैं, ये बात हमने पहले भी कर ली, पेटलॉइड्स कह देते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि दल बाह्य दल जैसे दिखने लग जाए, कैसे, कहानी उल्टी, ये फूल, ये बाह्य दल हरे कलर के, फर्स्ट वाले फूल को देखना, अब अंदर वाली जो दल थे, जो पंखुड़िया थी, वो भी कैसी हो गई, ग्रीन हो गई, येलो। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में उल्टा हुआ, दल जो है वो बाह्य दल जैसे दिखने लग गए, तो उन्हें हम सेपेलॉइड्स कह देते हैं, यानी सेपेलॉइड्स।
इसको पेटेलॉइड्स कह रहे हैं क्योंकि पेटल जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे सेपल जैसे दिख रहे हैं, तो सेपेलॉइड यानी बाहर या दलाब कह देते हैं, ठीक है, बाहर या दलाब। जब सभी सदस्य दल के समान रंगीन होते हैं तो उन्हें पेटेलॉइड्स कहते हैं, और जब दल बाहर दल के समान ग्रीन होंगे तो उन्हें बाहर दलाब कह देंगे, या बाहर लाभ भी कहीं आप सुन सकते हैं, ठीक है। परिदल पुंज अधिकतर एक बीजपत्री पौधे, ये एग्जाम्पल है प्याज, केला, ताड़, खजूर और लिली में भी मिलते हैं, जिसका फोटो मैं आपको बता रही हूं। ये देखो, ये इसके दल है यानी कि पेटल्स हैं, जिसको हम ग्रुप फॉर्म में करोला कहते हैं। अब ये लंबे लंबे जो निकल रहे हैं, इसमें हरे कलर की कोई संरचना है ही नहीं, ठीक है, ये पत्तियां दिख रही हैं जो हरी दिख रही हैं। तो ये जो है ये क्या है, इसके ये इसके बाहरी दल हैं, जो कैसे हो गए हैं भाई, दल जैसे दिखने लग गए हैं। अब ये जब दल जैसे दिखने लग जाते हैं तो फिर हम इनको क्या कह देते हैं, दलाब, क्योंकि ये दल जैसे दिख रहे हैं, इंग्लिश में पेटेलॉइड्स। फिर इनको सेपल नहीं बोलेंगे, फिर इनको पेटेलॉइड बोलेंगे, ठीक है। ये वाला फर्स्ट केस, इसका उल्टा भी सेकेंड वाला, कि भाई दोनों ही ग्रीन हो जाए। ये अभी क्या है, ये दल है अंदर वाले पेटल्स, जिसको ग्रुप फॉर्म में हम करोला कहते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, जो मैंने वहां पे केस समझाया कि दोनों ग्रीन हो जाए तो फिर हम उनको सेपेलॉइड्स बोल देते हैं, और कॉमनली दोनों को इस फॉर्म में पेरियंथ, यानी कि अब दोनों के नाम अगर हमें मुझे देने हैं, इसको भी देना है और दल को भी देना है, तो मैं इनको क्या बोल दूंगी, परिदल, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, टेपल, और पेरियंथ अगर ग्रुप की बात करेंगे पूरे तो पेरियंथ, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आवश्यक पुंज। अब आ गए हैं आवश्यक पुंज, इनको जैसे कि मैंने कहा जननांग भी कहते हैं या जनन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। चलो इसमें आपको दो चीजें देखनी है, एक तो पुमंग देखना है आपको, जिसको एंड्रोशियम कहते हैं, और एक आपको जायांग देखना है, जिसको हम गाइनोशियम कहते हैं। पुष्प के आवश्यक चक्र दो हैं, एक पुमंग यानी कि एंड्रोशियम, दूसरा गाइनोशियम। सबसे पहले बात करेंगे पुमंग की। यह नर व नर जननांग होते हैं, मतलब ये किसको डिनोट कर रहे हैं, मेल को, ठीक है, मेल युग्मक को बनाएंगे ये। वह यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, ये बात समझ में आ गई, पहला बाह्य दल, दूसरा दल, तीसरा पुमंग, ठीक है। इसे पुंकेसर भी कहते हैं, पुंकेसर का इंग्लिश ट्रांसलेशन एंथर, इसे पुंकेसर भी कहते हैं, ठीक है, एंथर, जो कि पुष्पासन पर दल पुंज व जायोंग के मध्य लगे होते हैं। ये जायोंग है बेटा, कई जगह इसको जायोंग भी लिखा हुआ है, ठीक है, चलो, के मध्य लगे होते हैं। आ जाओ अभी, प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक पुतंतु जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, और परागकोश जिसको हम एंथर कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे परागकोश की। परागकोश जिसको पॉलन सेक या एंथर दोनों कहते हैं, भाई दोनों तीनों नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, परागकोश, एंथर, लघु बीजाणुदानी, गुरु बीजाणुदानी। अभी जब मैंने क्लास ट्वेल्थ को पढ़ाया तो उन्हें सब कुछ क्लियर करके पढ़ाया था कि क्या क्या है, ताकि उनको कन्फ्यूजन नहीं हो। आप अभी से अपनी इलेवंथ को सही करते रहो, क्योंकि वही मैंने कहा, बहुत मैं इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, जो बच्चों नहीं समझ पाते उन्हें हमेशा ही कन्फ्यूजन होता है, परागकोश क्या है, लघु बीजाणु दानी क्या है, लघु बीजाणु क्या है, परागकण क्या है, क्योंकि हिंदी में हर चीज को दो दो नाम दे रखे हैं, इंग्लिश में भी है। अभी जैसे यहां पे देखो, परागकोश को ही पोलन सेक भी बोला है और एंथर भी बोला है, ठीक है। वैसे एंथर हमेशा पुंकेसर को कहा जाता है, लेकिन क्योंकि वही मेन पार्ट है परागकोश, तो कई बार इसको भी एंथर बोल देते हैं, ठीक है, आप सिर्फ ध्यान रखेंगे। परागकोश में पराग मात्र कोशिका यानी कि पोलन मदर सेल होती है, से पराग कणों का निर्माण होता है। थोड़ा बहुत आप टेंथ में पढ़े हैं, इसलिए आपको ऐसे कुछ नया नहीं लग रहा होगा। देखो क्या है, ये कह रहा है तीन भाग है, अभी मैं बता रही हूँ क्या तीन भाग है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम कहीं। चलो पहले बात कर रहे हैं हम किसकी, एंड्रोशियम की यानी कि पुमंग की,
जिसको हम क्या कह रहे हैं, एंड्रोशियम। क्या होता है एंड्रोशियम? ये पुष्पासन है। अब देखो मैं दल बाहरे दल कुछ भी नहीं बना रही, सिर्फ पुष्पासन बना रही हूं। ये है हमारा थैलेमस, पुष्पासन। इसमें पहले बाहरे दल होगा, एक बना देती हूं, ये बाहरे दल। फिर आएगी दल की बारी, जो मैं पीले कलर का ही शुरू से बना रही हूं, ये दल। और तीसरा जो चक्र होता है वो क्या होता है, पुमंग होता है। पुमंग के दो भाग है, पहला तो एक फिलामेंट। अब किसी में आपको तीन भाग भी मिल सकते हैं, वो क्यों मिलते हैं मैं बताती हूँ। जहां से पुमंग थैलेमस से जुड़ा होता है, वो कुछ ऐसा मोटी सी संरचना होती है, गांठ जैसी, उसको कई बार जो है वो क्या कह दिया जाता है, आधार या बेस कह दिया जाता है। तो फिर तीन पार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, एंड्रोशियम बेस कह देते हैं। ये थोड़ा बड़ा होगा इस तरह से, एक नलिकाकार संरचना बनाएगा जिसको हम पूतंतु या इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, फिलामेंट। ये बेस नलिकाकार संरचना है, और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। चक्र की बात कर रहे हैं हम, एक से ज्यादा है, हम बना एक रहे हैं आपको समझाने के लिए। ऊपर एक कोष समान यानी कि बास्केट लाइक संरचना होती है, उसका शेप सभी में अलग अलग होता है, किसी में ऐसे होते हैं, किसी में गोल होते हैं, किसी में आप अपने आसपास पौधे देखे होंगे, अलग अलग शेप के ऊपर ऐसे निकले होते हैं, गुड़हल में और गोले जैसे होते हैं। आप धतूरे में देखोगे तो और अलग दिखेंगे, कभी अगर किसी ने मेरा वो प्रैक्टिकल देखा हो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है, तो सब में अलग अलग होते हैं। ये यहां पे क्या है, यहां पे है पराग कोश। जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोलन सेक भी कह रहे हैं। हालांकि देखो मैं आपको बता देती हूं, आप 11th में जब जाओगे तो पोलन सेक और एंथर दोनों अलग अलग कहे जाते हैं, लेकिन अभी के लिए हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और आपके हिसाब से इसको आप परागकोश कह सकते हो। इसके अंदर पोलन सेक होता है, एक्चुअली ये तो परागकोश है, एंथर है। इसके अंदर छोटी छोटी धानी बनी होती है, एक बास्केट लाइक संरचना बनी होती है, चार होती है जनरली, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, उसको हम पोलन सेक कहते हैं। उसमें जो कोशिकाएँ होती हैं उनको हम पोलन सेक मदर सेल यानी पराग कण मात्र कोशिका कहते हैं। और ये क्या बनाती है, अब देखो नाम से ही लग रहा है पोलन है, तो ये क्या बना रही है, पराग कण बना रही है। मतलब क्या बनाएगी, पोलन सीक। अभी ये हमें पूरा पढ़ना है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं, सब अलग अलग अभी पढ़ना है, अभी तो हम जनरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, ये भाई नीचे क्या है, पुष्प का तंतु है। अब नेक्स्ट की बारी है जायांग, जिसको गाइनोशियम कहते हैं। यह पुष्प का स्त्री जननांग होता है, यह एक या अनेक अंडपों का बना होता है। सभी अंडप मिलकर एक संयुक्त अंडाशय बनाते हैं, इसे संयुक्तांडपी कहते हैं। अभी सब समझा रही हूं। कुछ पौधों में, पुष्पों में अनेक अंडप होते हैं, परंतु प्रत्येक अंडप एक पृथक पृथक अंडाशय बनाता है, इसे व्युक्तांडपी कहते हैं, यानी कि एपोकार्पस कहते हैं। प्रत्येक जायांग के तीन भाग होते हैं, आधारी या गोल भाग जिसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, वो ओवरी होती है जनरली, ओवरी नलिकाकार वर्तिका यानी स्टाइल, और उसके ऊपर गांठ जैसा भाग जो होता है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा है इसको अभी मैं ड्रॉ करके समझाती हूं। देखो पुष्प का चौथा चक्र कौन हो जाएगा, पुष्प का चौथा चक्र है जायांग। जायांग जो है वही पुष्पासन के बीच में चौथा चक्र है। तो भाई ये हो गए हमारे सेपल्स, ये हो गए पीले पेटल्स, फिर उसके बाद पुंकेसर। अब जायांग जो होता है वो जनरली एक ही होता है, ठीक है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका फूला हुआ, एक फूला हुआ हिस्सा, फिर एक लंबी नलिकाकार संरचना है, और फिर एक गांठ जैसी संरचना है।
इनकी संरचनाएं भी आपको अलग अलग फूलों में अलग अलग दिखेगी। ठीक है, तो ये जो संरचना है इसको हम बोलते हैं अंडाशय, फूली हुई जो गोल सी संरचना है जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के ऊपर एक नलिकाकार संरचना है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, यानी कि वर्तिका। और उसके ऊपर जो गांठ जैसी संरचना है गद्दीदार, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। ये कहानी सबको समझ आ गई। अब इन दोनों को छोड़ दो, बात कर रहे हैं हम अंदर वाले की। ये जो अंडाशय है इसमें बहुत सारे कोश हो सकते हैं, कोश का मतलब कक्ष हो सकते हैं, मतलब ये अंडाशय अकेला भी हो सकता है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है। अकेला होता है तो हम इसको बोलते हैं एकांडपी। ठीक है, मोनोकार्पल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, यूनिकार्पल भी बोलते हैं भाई, मोनो या यूनिकार्पल। ठीक है, एक अकेला है, ऊपर वही स्टिग्मा निकली हुई है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस अंडाशय में बहुत सारे कोष्ठ होते हैं ऐसे। अब क्योंकि बहुत सारे कोष्ठ हैं तो इसको बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पल कहते हैं, मल्टी कार्पल बहुअंडपी। ये एक अंडप है, अंडाशय मतलब अंडाशय के अंदर क्या ये ऐसा नहीं होता, इसके अंदर एक और कोष्ठ होता है। अब वो अकेला है जैसा कि यहाँ पे है, एक ही है, तो उसको एकांडपी यानी मोनो कार्पल यूनिकार्पल कह देते हैं। अगर बहुत सारे अंडप है जैसे कि मैंने यहाँ बनाए हैं तो भाई ये एक दो तीन, तो उसको बहुअंडपी कह देते हैं। अब एक है तो एकांडपी, दो है तो द्विअंडपी, तीन है तो त्रिअंडपी, अब तीन से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको बहुअंडपी में डाल देते हैं। अब कहानी ये भी दो टाइप की है इस वाले केस में। अगर ये सारे अंडप इस तरह से सेपरेट सेपरेट हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं, है ना, सुनना मेरी बात को, ये एक कार्पल यानी कि एक अंडप, ये दूसरा अंडप और ये तीसरा अंडप, एक दो तीन। अब अगर ये सेपरेट सेपरेट है तो फिर ये आपको ऊपर से भी ऐसे सेपरेट दिखेंगे, मतलब ये जो वर्तिका है ना वो ऐसे सिंगल नहीं दिखेगी आपको, उसमें भी इसकी अलग दिखेगी, इसकी अलग दिखेगी, ऐसे यहाँ पे भी आपको तीन पार्ट्स दिखेंगे। हो सकता है वो बहुत पास हो लेकिन आपको ऐसे तीन पार्ट्स दिखेंगे, अलग अलग तीन, और सबके ऊपर क्या होगी, अपनी अपनी वर्तिकाग्र भी होगी ऐसे। अगर ये कार्पल अलग अलग है, ये अंडप अलग अलग है, तो इसको हम बोलते हैं व्युक्तांडपी। हिंदी वाले जरा सुन ले, व्युक्तांडपी, जिसको हम बोलते हैं एपोकार्पल। एपो का मतलब होता है अलग, सब अलग अलग है। लेकिन इसी केस में अगर ये सारे अंडप एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये वो अंडाशय मतलब ओवरी, उसके अंदर मैं अंडप बनाऊं अगर, अब तो जरा देखना ऐसे, तीन ही बना रही हूं क्योंकि तीन के एग्जाम्पल को ही लेकर चल रहे हैं। ये देखो ये सेपरेट दिख रहे हैं आपको, बीच में वॉल है इनके। सेपरेट का मतलब ये खाली जगह नहीं है, इसमें मतलब वॉल रहेगी, दीवार रहेगी कोशिकाओं की। ये बिल्कुल चिपके हुए हैं, ठीक है। अब ये चिपके हुए हैं ना तो आपको ऊपर से भी ये कई बार एक ही दिखते हैं, कुछ इस तरह से देखो जरा, ये सिंगल ही दिखेगा आपको, अंदर तीन है लेकिन वो चिपके हुए हैं तो यहाँ पे भी चिपकापन दिखता है, एक सिंगल ट्यूब दिखती है, यहाँ पे तीन ट्यूब दिखती है ऊपर भी, ठीक है। ऐसे को हम बोलते हैं युक्तांडपी। भाई ये व्युक्तांडपी है, ये युक्तांडपी है, वी का मतलब अलग, युक्ता का मतलब एक, युक्तांडपी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिनकार्पस, क्या बोलते हैं, सिनकार्पल या सिनकार्पस, ठीक है। कहां लिख दूं, सिन लिख दूं सिर्फ, कार्पल आप जोड़ देना पीछे वाला, ठीक है। चलो बात समझ में आई जो अभी हमने कहानी पढ़ी उसकी, कि क्या कहना चाह रहा है, फिर से एक बार समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है वरना आगे तक पछताते रहोगे, ठीक है। वर्तिका जायांग किसको कहते हैं, इन तीनों को कॉमन फॉर्म में हम जायांग कहते हैं, जनरली एक ही होता है, ठीक है। अब अंडाशय के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर कोश होते हैं, अगर ये कोश
एक है तो हम उसे एक कोष्ठकी भी बोलते हैं। वैसे अगर एकांडपी नहीं तो आप कोष्ठ पढ़ सकते हो, एक कोष्ठकी, द्वि कोष्ठकी, त्रि कोष्ठकी, त्रि कोष्ठकी, तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसको कोष्ठ भी बोलते हैं। लॉक्यूल, इंग्लिश में लॉक्यूल भी बोलते हैं और ऐसे कार्पल भी बोलते हैं, तो भाई बहुत सारे वर्ड है, ठीक है। अगर एक अंडाशय में एक ही बॉक्स है या कोष्ठ है तो उसको एकांडपी बोल देते हैं, बहुत सारे हैं तो उसको एकअंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी या बहुअंडपी बोल देते हैं, मल्टीकार्पल। इसमें दो कहानियां हैं। पहली, अगर ये सारे कार्पल एक दूसरे से सेपरेट है, कैसे पता चलेगा? एक तो काट के आप डिसेक्शन करोगे तो पता चलेगा, और दूसरा अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको तीनों अलग अलग दिखेंगे। तीन है, जितने भी अंदर कार्पल है तीन है तो तीन दिखेगी, चार है तो चार। तो ये होते हैं एपोकार्पस यानी युक्तांड व्युक्तांडपी, और ये जो है वो मिले हुए हैं इनको सिनकार्पस यानी कि युक्तांडपी कहते हैं, ठीक है। मिक्स होते हैं, चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है सब कुछ एक साथ। हाँ, बीजांड वाली बात रहेगी, अब जरा सुनो, इनमें कोष्ठों में है क्या? इन कोष्ठों में बीजांड है, बीज नहीं, बीज मत बोल देना, भगवान की मेहरबानी मुझ पर कर देना, बीज नहीं कह रहे हम, बीजांड कह रहे हैं। कैसे कलर के बनाऊं? ग्रीन कलर के बना दूं? एक पे बना रही हूं, सब में होंगे, जितने भी कोष्ठ होंगे उसमें ऐसे ये बीजांड लगे हुए रहते हैं। हालांकि बीजांड की संरचना ऐसी नहीं होती, इनको हम क्या कहते हैं? बीजांड, ओव्यूल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ओव्यूल। तो ये ओव्यूल लगे रहते हैं, तो जितने कोष्ठ उतने ओव्यूल, और ये ओव्यूल ही है जिसमें मादा युग्मक रहेगा। जैसे यहाँ पे परागकण बनता है, यहाँ पे बीजांड बनता है, और बीजांड में मादा युग्मक बनता है, ठीक है। आगे आओ जरा कहानी में, कुछ और कुछ बचता है? नहीं बचता। अब एक मेरा प्रैक्टिकल आया हुआ है बहुत पहले क्लास 12th में, और उसमें मैंने पुष्पीय संरचना बताया है ना, आप ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा पुष्पीय संरचना। और या मैं एक काम करती हूँ, आपको दिखाई देती हूँ अभी, है ना, सबसे बेस्ट, खुश हो जाओगे अभी, तो वो आप अभी देख लो, मैं चलती हूँ और आप उस सेगमेंट को देखो, और फिर थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, और फिर हम दूसरा वाला एक और बना देंगे आपके लिए। तो आप जो है वो वीडियो देखो, और अलग से भी आप देख सकते हो प्रैक्टिकल में जाकर, है ना, जो जैसे कि मैंने कहा पुष्पीय संरचना वाला एक प्रैक्टिकल डला हुआ है, तो वहाँ पे आप जाकर देखें, और अभी भी देख लो थोड़ा सा, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आप देख रहे हैं हमारे पास तीन तरह के फ्लावर हैं, और इसमें से ये है धतूरा, ये है हिबिस्कस जो आपने सभी ने देखा होगा, और ये है हमारा जो आप कनेर भी कहते हैं इसे। तो हमने तीन फ्लावर क्यों लिए हैं? क्योंकि हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, कि हर चीज़ को देखेंगे, जो जो भी टर्म्स आपने पढ़ी है हर चीज़ को आज हम देखते हुए आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तीनों ही बाईसेक्सुअल फ्लावर हैं, मीन्स एक ही फ्लावर में नर व मादा दोनों तरह के अंग पाए जाते हैं, जिसको आप हिबिस्कस में अच्छे से देख सकते हैं। कि ये देखिए, ये जो है ये इसके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र है, और ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके पुंकेसर यानी पुमंग है। ऐसा ही धतूरा भी बाईसेक्सुअल है यानी द्विलिंगी है, और जो कनेर है वो भी द्विलिंगी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सबसे पहले संरचना, क्योंकि हमें इसे खोलना है, अंदर की चीज़ें देखनी है, तो शुरू बाहर से करते हैं। सबसे पहले होते हैं सेपल्स, यानी जिसे हम बाह्य दल कहते हैं। तो अगर आप इसे देखेंगे तो इसके बाह्य दल देखिए काफ़ी बड़े हैं, और एक कप शेप स्वॉलन तरह का स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर आप इसके बाह्य दल देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक कली भी है, ये जो है ये इसके बाह्य दल हैं। तो ये बाह्य दल जो हैं आप देख रहे हैं सब अलग अलग हैं। ये देखिए, ये एक एक बाह्य दल आपको दिख रहा है, सेपरेट है पूरा। तो जब बाह्य दल पूरे अलग अलग होते हैं यानी चिपके हुए नहीं रहते हैं, तो इसे हम पृथक बाह्य दली या पॉलीसेपेलस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं गुड़हल पे। गुड़हल पे अगर आप देखेंगे तो गुड़हल पे देखिए ये सारे बाह्य दल ऊपर से तो फ्री है, लेकिन नीचे से चिपके हुए हैं और कप जैसी संरचना बना रखी है। आप बोलेंगे ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल नहीं है, ब्रैक्ट है, जिसे ई ब्रैक्टेड भी होते हैं, जिसमें में ब्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये ब्रैक्ट है, ये बाह्य दल नहीं है, सेपल नहीं है, सेपल ये हैं और ये कप शेप है। तो जब सारे बाह्य दल मिले हुए रहते हैं, जैसा धतूरे में भी है आप देख रहे हैं, सारे बाह्य दल जो हैं वो चिपके हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं गैमोसेपेलस यानी कि संयुक्त बाह्य दल।
अब नेक्स्ट, ये जो जिससे फूल लगा हुआ रहता है इसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत या पेडिसिल। और जिस पर लगा हुआ होता है ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फूला हुआ, ये होता है हमारा थैलेमस, ठीक है, पुष्पासन, जिस पर पुष्प लगा हुआ रहता है। चलिए अब बात करते हैं ये कलरफुल जो आपको दिख रहे हैं, ये पता ही होगा पेटल्स हैं यानी दल है। ये गुड़हल में अगर आप देखेंगे और कनेर में अगर आप देखेंगे, सब में इनका विन्यास अलग अलग होता है, लेकिन देखिए ये पेटल्स सारे अलग अलग हैं। गुड़हल में तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे, ये देखिए एक एक पेटल दूसरे से अलग है, कहीं भी चिपका हुआ नहीं है। तो अगर सारे दल अलग अलग होते हैं, मीन्स पृथक होते हैं, तो हम उसे पृथक दलीय या पॉलीपेटलस कहते हैं। अगर आप धतूरे के पेटल्स देखेंगे तो ये देखिए एक दूसरे से चिपके हुए हैं, कहीं भी एक अलग नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं दल लगनी, क्योंकि ये एक दूसरे से लगे हुए हैं, या गैमोपेटलस। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी कि कैसे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। अब आते हैं हम इनके जननांगों पर यानी नर व मादा पे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हैं हमारे उमंग यानी पुंकेसर जो कि नर को डिनोट करते हैं, और ये हैं हमारे वर्तिकाग्र। लेकिन अगर हम धतूरे को खोल कर देखें ये देखिए धतूरा बिल्कुल फाड़ के मुझे अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके जो दल होते हैं वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। अब देखिए अगर आपके जो पुंकेसर हैं यानी पुमंग है वो इस तरह से अलग हो बिल्कुल, जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे पुंकेसर जो हैं एक दूसरे से अलग अलग हैं। ये देखिए नीचे से अगर आप नहीं देखे इतना पार्ट तो आपको दिख रहा होगा ये सब एक दूसरे से अलग अलग है। अगर सारे पुंकेसर एक दूसरे से अलग होते हैं तो हम उसे पॉलीएंड्रस यानी कि पृथक पुंकेसरी कहते हैं। लेकिन अगर आप गुड़हल को देखेंगे तो गुड़हल में देखिए ये जो पुंकेसर हैं वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, मतलब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलते हैं मोनोडल्फस यानी एक संघी, एक संघ बना रखा है इन्होंने सब ने, ठीक है तो असंख्य लेकिन सब जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे हर पुंकेसर का जो तंतु है वो अलग है, सिर्फ इतना पोर्शन में देखने के लिए कह रही हूँ। अब तीसरी चीज़ होती है जो होती है हमारे धतूरे में, अगर आप इस पुंकेसर को थोड़ा सा और उठाएंगे, ये देखिए मैं यहाँ से अलग कर रही हूँ, तो देखिए ये क्या हुआ है, ये दल से चिपका हुआ है, ये जो हमारा दल है ये देखिए ये दल से इस तरह से चिपका हुआ है, ये देखिए दल से बिल्कुल पूरी तरह से चिपका हुआ है ये, अभी मैं इसे अलग कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा। तो अगर हमारे पुंकेसर दल से लगे हुए रहते हैं तो हम उसे एपीपेटलस यानी दल लग्न पुंकेसर कहते हैं, जैसा कि धतूरे में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने 11th में पढ़ी होगी लेकिन शायद आप अब देख पा रहे हैं। अब ये तो हो गए पुंकेसर, ये है हमारे धतूरे का मादा जननांग जिसे हम स्त्री केसर भी बोलते हैं। इसका ये जो टॉप है ये होता है वर्तिकाग्र, और ये नीचे वाला आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इसकी वर्तिका यानी स्टिग्मा और स्टाइल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने पुंकेसर देख लिए, यहाँ पे भी पुंकेसर जुड़े हुए हैं और गुड़हल में ऊपर वर्तिकाग्र निकलते हैं। जब हम इसको गुड़हल में, एक खास बात यह है कि ऊपर से आपको पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 आपको वर्तिकाग्र दिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 वर्तिकाग्र का मतलब इसकी कार्पल यानी अंडाशय कैसी है, 5 खंड है। अब हम इसके सारी चीज़ों को अलग कर देते हैं, इसके पुंकेसर को भी अलग कर लेते हैं दल से निकाल कर। ये देखिए आपने देखा किस तरह से खींच के आ रहे हैं ये, क्योंकि ये दलों से चिपके हुए थे, एपीपेटलस हैं। अब अगर आपको दिख रहा हो तो इस पर पाउडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये पाउडर क्या है, यही पाउडर इसके परागकण है। पुंकेसर की संरचना में ये होता है पूतंतु, ठीक है, फिलामेंट, और ये है इसकी एंथर यानी कि पूधानी जिसके अंदर परागकण बनते हैं। चलिए अब परागकण निकालते हैं बाहर, हमने यहाँ पे एक स्लाइड ले ली है, इस स्लाइड पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पुंकेसर है इसको झटकेंगे, आपको पाउडर जैसा सब्सटेंस निकलता हुआ दिख रहा होगा, यही पाउडर जो है ये हमारे पराग कण है।
और इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि ये पराग कण कैसे दिखते हैं। चलिए अब हम इसकी ओवरी देखेंगे, मीन्स इसका कार्पल्स देखेंगे, इसके अंडाशय देखेंगे कैसे दिखती है। तो मैं इसे खोल रही हूँ यहाँ से, ये आपको उभरी हुई चीज़ दिख रही होगी, यही हमारा अंडाशय है। इसका सेक्शन काट के देखेंगे हम, LS और TS दोनों देखेंगे। LS क्या होता है? LS मीन्स होता है लंबा सेक्शन। जैसे ये ओवरी है, ये ओवरी है, आपको टॉप व्यू है, इसको अगर मैं यहाँ से काटूंगी इस तरह से तो ये LS होता है, यानी कि लॉन्जिट्यूडनल लंबवत सेक्शन। और अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, अभी काटूंगी मैं इसे, तो इसे TS बोलते हैं। तो चलिए काट के देखते हैं कैसी दिखती है हमारी ओवरी। इसी तरह गुड़हल में भी आपने देखी होगी, एक बार गुड़हल को भी देख लेते हैं। गुड़हल के सारी चीज़ें हम खोल देते हैं। देखिए यहाँ पे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये मोनोडल्फस है, सारे पुंके सर जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये गुड़हल की स्टाइल और ये स्टिग्मा, यानी वर्तिकाग्र और वर्तिका है, ठीक है। और पास ही में आपको मैं धतूरे की भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये धतूरे की थी जिसमें ये स्टाइल थी और ये स्टिग्मा थी, तो दोनों देख रहे हैं। अब हम गुड़हल की देखेंगे काटकर। अच्छा, एक चीज और आप देख रहे हैं कि ये हमारी ओवरी है, ये हमारा ओवरी है, और इसके नीचे से देखिए दल लगे हुए हैं। दल भी इसके नीचे की तरफ है आधार पे, और सेपल्स यानी कि बाहरी दल भी इसके नीचे। तो ऐसी ओवरी जिसमें बाकी सारी चीज़ें, यानी दल, बाहरी लग्न, पुंके सर, ये सब ओवरी से नीचे लगे होते हैं, उसे हम ऊर्ध्ववर्ती ओवरी यानी सुपीरियर ओवरी कहते हैं। तो ये सुपीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी ओवरी ऊपर है, अधोवर्ती भी कहा जाता है जिसे। ओवरी ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें ये देखिए सारी नीचे हैं, सेपल्स वगैरह। तो ये निकल आई है गुड़हल की, गुड़हल का अंडाशय। ये देखिए कैसा उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसे ही हम काटेंगे ट्रांसवर और लॉन्जिट्यूडनल। ये देखिए, ये गुड़हल की ओवरी है जिसको मैं ब्लेड से ट्रांसवर ली यानी अनुप्रस्थ रूप से काट रही हूँ। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें दिख रही होगी। इसी का हम सेक्शन लेकर माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि ये कैसे दिखती है। अगर आप हिबिस्कस की ओवरी देखेंगे तो, अगर आपने पढ़ा हो तो, ये 5 कार्पल्स होते हैं, मतलब पंच अंडा अंडपी होती है, यानी इसमें बीजाण जो होते हैं वो अलग अलग कोष्ठों में, 5 अलग अलग कोष्ठों में उपस्थित होते हैं। तो देखा बच्चे आपने कि कैसे क्या होता है, क्या बाहरी दल है, क्या दल है, और कहाँ पुंके सर है, कहाँ स्त्री के सर है, और क्या क्या संरचनाएं हैं, और जो है देखकर आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम वही आगे पढ़ना है, हमें अभी पुंके सर जायांग के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल पढ़नी है, वो पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, और ऐसे ही देखते रहिए, मस्त रहिए, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए।